सभी विद्यार्थियों को बीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। आज जो हमारा ये वीडियो है ये इस बात को लेकर है कि जो 2020 और 21 का न्यू ब्लूप्रिंट आया है उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप तैयारी कैसे करें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आपके अंदर जो डर है, जो घबराहट है, कल से मैं देख रहा हूं जब से ही न्यू ब्लूप्रिंट आया है 10th और 12th क्लास के बच्चों में बहुत बड़ा डर बैठ गया है। कई बच्चे घबरा रहे हैं, सर क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए, नंबर चेंज हो गए, पूरा सब कुछ बदल दिया। तो इसी चीज पर मैं चर्चा करूंगा और आपके अंदर का जो डर है उसे बिल्कुल खत्म कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि हमारे चैनल का एक से एक शानदार वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं बीएम शर्मा एक इंग्लिश का टीचर हूं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अधिकांश बच्चों से मैंने सुबह से संपर्क में आया हूं और मैं उनसे चर्चा कर रहा हूं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनकी निकल के सामने आ रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सरकार और बोर्ड को कोस रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो न्यू ब्लूप्रिंट है यह बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है। सरकार और शिक्षा विभाग का इसमें क्या उद्देश्य है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे शिक्षा विभाग और सरकार का इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा को किस प्रकार से सुधारा जाए, जो पहले से शिक्षा चल रही थी उसको और बेहतरीन और अच्छी शिक्षा बनाने के लिए यह नया ब्लूप्रिंट दिया गया है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो इसको कैसे कवर करेंगे। चलिए मैं एक चीज आपको और बताता हूं। सबसे पहले आपके अंदर जो डर है उसको आप हटा दीजिए, अपने टीचर के संपर्क में रहिए। कैसे तैयारी कर रही है ये मैं आपको बताता हूं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी कैसे करेंगे इस चीज पर भी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे सामने है कि हम तैयारी कैसे करें। तो जो आपने पीछे स्टडी किया है, अध्ययन किया है या जो पढ़ा है वो आपका कोई खराब जाने वाला नहीं है। उसी चीज को हम अच्छे से यूज करके इस ब्लूप्रिंट की तैयारी करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक, हमारा जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसे आप हटा दीजिए, नए ब्लूप्रिंट में आते हैं। जो हमारा न्यू ब्लूप्रिंट है इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं ये सबको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन होता है, उसके बाद में 2, 3, 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर हमारा ऑप्शन सही है, करेक्ट है, तो हमारा एक नंबर है और गलत है तो 0, 0, 1 में चलता है इसका पूरा काम। ओके, 30 नंबर के क्वेश्चन है। मैं ज्यादातर बात करूंगा वो इंग्लिश के ब्लूप्रिंट की करूंगा, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही पैटर्न सबका है जहां तक मैंने देखा है। तो 30 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसकी तैयारी आप कैसे करें इसको ध्यान से समझें। जहां तक इस 30 नंबर की बात करते हैं तो आपको टॉपिक ऑलरेडी दे दिए गए हैं, इन टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आप जहां भी जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं उस टीचर से बोलिए, सर हमें इसे विस्तार से और गहन अध्ययन कराइए। दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा और गहन अध्ययन करना होगा, गहराई से अध्ययन करना होगा। इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा उद्देश्य, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है उसके हिसाब से यह है कि हमारी जो स्टडी है, हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा है, उसे विस्तार से और गहन अध्ययन करने पर है। ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दे दिया, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप लिख के चले आए, नहीं। अब आपको उस टॉपिक को और विषय को जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप अपने एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको टेंस है, पैसिव वॉइस है, क्लॉज है, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशन है, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं।
तो इनको आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, आर्टिकल्स भी है शायद, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाए। और वैसे आपको चिंता इसलिए नहीं करनी है, अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो मैं इसी प्रकार के एक से एक अच्छे वीडियो आपको अपलोड करूंगा, और चैनल के एक एक वीडियो को देख करके आप लोग इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बड़े आराम से 30 नंबर को फाइट कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 30 नंबर 100 में से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर होंगे। हाँ, एक चीज थोड़ा और समझें, कई बच्चों को लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओटी मिल ही जाएंगी, नकल हो ही जाएगी। तो पहली बात, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, आपका इरादा ही गलत है, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल ही नहीं सकती। टेंस है तो टेंस को आप विस्तार से पढ़िए और समझिए, जहां जिस टीचर पे पढ़ रहे हैं उसको विस्तार से समझें, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और बहुत अच्छा पेपर आएगा। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके वर्कबुक और टेस्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के आधार पर होगा। इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर लिखना होगा। हाँ, अब तक का जो ब्लूप्रिंट था, मैं बात 12th क्लास की कर रहा हूं ज्यादातर, उसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन होते थे, चार चार नंबर के क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब सभी क्वेश्चन तीन तीन नंबर के हैं और शब्द सीमा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। शब्द सीमा 75 शब्द से लेकर के 100 शब्द कर दी गई है। शब्द सीमा बढ़ाने के लिए आपको चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना होगा और तब आप उस क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक होंगे, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स होंगे, पैराग्राफ होंगे, आर्टिकल्स होंगे, नोटिस होंगे, स्पीच होंगी, वो टॉपिक सब उसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उनको आपको याद करने का टॉपिक है और बड़े आराम से आप उनको याद कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको जो पढ़ाने वाला टीचर है वो विस्तार से और अच्छे से समझाए। अब मैं थोड़ा सा आपको, जैसे कोई विद्यार्थी बहुत कमजोर है, इंग्लिश उनको बहुत अच्छे से याद नहीं होती है, तो मैं इस चीज पर भी बात करता हूं कि वो विद्यार्थी कैसे फाइट करें। ओके, तो क्वेश्चन आंसर अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, और ये मैं भी समझता हूं कि हर बच्चा इतने क्वेश्चन 75 से 100 शब्द के कैसे याद करेगा, लेकिन उसमें आप अगर क्वेश्चन आंसरों पर बहुत अच्छी कमांड नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपनी ग्रामर पर, लेटर्स पर, रिपोर्ट राइटिंग्स पर, इन चीजों पर अच्छी से कमांड बनाइए और अच्छे से आप अच्छे नंबरों से फाइट कर जाओगे। लेकिन आपको परसेंटेज चाहिए, बहुत अच्छे अंक चाहिए, तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने ही पड़ेंगे। हाँ, कई विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर का कोई भी फंडा नहीं चलेगा, वो एक अलग बात है कि टीचर अपने नॉलेज के आधार पर आपको बता सकता है कि यह क्वेश्चन अच्छा है, इसके आने की पूरी संभावना है, लेकिन ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, पहली बार पेपर आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता है, न टीचर्स को न बच्चों को, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हाँ, इससे पहले जब ब्लूप्रिंट था तो कई बार पेपर आ गया है, तो पेपर को समझने के बाद टीचर्स इस चीज को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछने का पैटर्न है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर बना देते हैं और बड़े अच्छे से आते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अगर कोई टीचर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट या अच्छे क्वेश्चन बना रहा है या बता रहा है कि यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट है, तो आप याद कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अपने नॉलेज के आधार पर, उसने कितनी साल का एक्सपीरियंस है टीचर में, इस आधार पर बता रहा है, क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई दावा कर रहा है टॉप 20 या इस टाइप का, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपके होंगे। ठीक है, तो इस चीज को, इस वीडियो को मैंने इसी उद्देश्य को लेकर के बताया है कि किसी विद्यार्थी को इंग्लिश में घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश में 12th क्लास और 10th क्लास में बड़े आराम से एग्जाम आपके जो भी है मैं उसको क्रैक करा दूंगा, आप पास हो जाओगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अंकों से फाइट हो सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें कई जगह वीडियो पर, मेरे चैनल पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी एक एक प्रॉब्लम को सुना जाएगा, वह कायदा उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। मैं वीएम शर्मा,
हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूं, अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूं, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खड़ा हुआ हूं, अपने विद्यार्थियों के साथ खड़ा हुआ हूं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं हर हालत में पूरी एक से एक अपनी कोशिश करूंगा और अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से एग्जाम को फाइट कराऊंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं कि भाषण देके चला जाऊं, नहीं, मैं जो भी बोलता हूं फैक्ट बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, झूठ अपने आसपास भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि शिक्षक जो भी कहेगा वो बहुत अच्छे से कहेगा, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो आगे चल के मैं और भी डिस्कस करता रहूंगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो और भी डिस्कस होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।